हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शशिकांत शर्मा आपका केस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा या बुरा इसमें क्या लगा, या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट में बताएं, नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। और ये वर्ड एनालॉजी से हमारा एक से दो क्वेश्चन इससे भी आते हैं, आप कोई भी पुराने साल का सेट उठा के देख सकते हैं, उसमें वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन जरूर उसमें भी रहता है और एक से दो क्वेश्चन तो जरूर ही रहते हैं। तो चलिए हम पहले एनालॉजी का इसे हम मतलब बता दें। एनालॉजी का हमारा मतलब होता है सादृश्य, होता है सादृश्य, सादृश्य होता है हमारा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड एनालॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, कि वर्ड एनालॉजी होता क्या है आखिरकार। चलिए ये हमारा डिफिनेशन हो गया, इसको हम समझाते हैं आपको। इनमें कुछ शब्द दिए रहते हैं, यानी क्वेश्चन में कुछ शब्द होते हैं या प्रायः दो भाग में बटे होते हैं, एक रेशियो में रहता है दूसरे प्रोपोर्शन के दूसरे भाग में, यानी दो दो वर्ड्स दोनों तरफ रहते हैं ज्यादातर। इसका जो प्रथम भाग होता है उसके जो आपस में जो संबंध होता है, जैसे सुंदर और काला, इसके जो संबंध है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, वैसे ही दूसरे तरफ भी हमें उसी तरह का संबंध निकालना है। उसी को जो संबंध हम निकाल के खाली स्थान को भरते हैं उसी को हम वर्ड एनालॉजी कहते हैं। जैसे हम एक ऑप्शन इसका जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जीत है और हर्ष, इसके प्रोपोर्शन में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। जैसे हम ऑप्शन ले लेते हैं कुछ, ऑप्शन ए मौत कोहराम, बी वृद्धि। देखिए जीत और हर्ष के बीच क्या संबंध है। देखिए जीत जब होती है हमारी, मान के चलिए हम किसी भी कंपटीशन में गए हैं उसमें हमारी जीत हुई, तो उससे क्या होता है, हर्ष होता है, हमें खुशी मिलती है। हर्ष पर्यायवाची है खुशी का, वही जीत से हमें खुशी मिलती है। तो मौत से क्या होता है, किसी का मान के चलिए मौत हुआ तो वहाँ कोहराम हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि वृद्धि यहाँ पे देखिए जो वृद्धि होती है उससे मृत्यु, इससे कोई संबंध नहीं है, स्त्री और शिशु से भी कोई संबंध नहीं इस तरह का, क्योंकि जो जीत से खुशी मिलती है उसी तरह से मौत से कोहराम मिलता है। इसी तरह से हम और आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम तीन ऑप्शन लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कैंची है, कपड़ा है, ये दोनों के बीच का संबंध क्या है। कैंची जो है, कैंची वो कपड़े को काटता है, तो उस प्रकार का संबंध का हम ऑप्शन खोजेंगे। देखिए यहाँ पे पत्थर जो है वो हीरा है, वो देखिए इसके बीच में उस तरह का संबंध नहीं बन रहा है, और जो बंदूक यहाँ पे जो है उसका सिर के साथ वैसा कुछ संबंध है नहीं, ऐसा तो नहीं सिर्फ बंदूक से सिर उड़ाएंगे वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन कैंची का जो काम है वो कपड़ा ही होता है। यहाँ पे अलग बात है कि कोई बोलता है कि बंदूक से सिर उड़ाए, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन हम लिए हैं कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से तो हम लकड़ी ही काटते हैं, किसी तरीके की भी लकड़ी हो, लेकिन हम कुल्हाड़ी से लकड़ी ही ना काटते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। आप वर्ड्स को पकड़िएगा तभी आप इसके बीच का संबंध समझ पाइएगा। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, दोस्त और अच्छा, तो दोस्त का क्या होता है, दोस्ती में वो हमारे अच्छा करता है, उसी तरह से दोस्त जो भी हम बनाते हैं क्यों अच्छे के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, शत्रु का बुराई दिया हुआ है, हार का मृत्यु, रैली शक्ति। देखिए शत्रु का बुराई उसका काम है, लेकिन उसका यहाँ पे शैतान पापी होते हैं, वैसे ही जैसे हमें दोस्ती में अच्छाई का प्राप्ति होती है वैसे हमें शैतान के साथ तब पाप का प्राप्ति होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जाएगा इसमें। आप जो भी है ऑप्शन दिया हो कृपया कर उसको जरूर पारस्परिक रिश्ता बनाकर जरूर देखें क्वेश्चन के साथ, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा।
क्योंकि जो आंसर ऑप्शन दिए हुए रहते हैं वो भी जरूर लगभग सटीक जो है आंसर से मैचिंग रहता है, लेकिन उसके जो उससे जो हट के थोड़ा सा अंतर जो है उसी को हमको निकालना निकाल के उसको हमको समझ के ऑप्शन लेना है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही लगते हैं एग्जाम के टाइम। इसको आप बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये नहीं कि हड़बड़ी में आप गलत कर दें, इसको सोचिए समझिए तब उसको ऑप्शन मारिएगा। यहाँ पर चलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं ऊर्जा और बर्बाद, तो देखिए इसके बीच में संबंध क्या है। जो ऊर्जा हमें उत्पन्न करते हैं तो उसको बर्बाद करना अच्छा भी नहीं है, इस यहाँ पे मतलब बर्बाद के बारे में निगेटिव है ऊर्जा के बारे में, तो फिर ऊर्जा का जो बर्बाद कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे पारस्परिक संबंध अगर हम बनाएं तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो भोजन से भूखा का संबंध नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपके पास भोजन है और भूखा उसका एकदम विपरीत शब्द है। आपके पास भोजन है तो उसको खा सकते हैं, भूखा क्यों रहेंगे? ऊर्जा है तो यहाँ बर्बाद करने का बात नहीं हो रहा वहां पे। और यहाँ पर जो देखिए फिर सेकंड ऑप्शन फिर उसी प्रकार दिया हुआ है, धन का तो दुरुपयोग दिया हुआ है, तो आपके पास अगर धन है तो उसका दुरुपयोग करना, इससे देखिए आप जैसे इसको ऊर्जा को अगर हम धन बोल सकते हैं, ऊर्जा एक धन है ना, तो उसको बर्बाद करना क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ। तो वैसे ही देखिए धन तो है ही आई दुरुपयोग तो है ही, तो फिर हमारा ऑप्शन ये ही नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए शक्ति और जन्मदाता भी, शक्ति का जो है जन्मदाता, ये ऑप्शन हमारा क्यों नहीं जाएगा बता सकते हैं आप? ऑप्शन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए शक्ति यहाँ पे दिया हुआ है और शक्ति का जन्मदाता का बात हो रहा है, यानी शक्ति को जन्म देना जा रहा है, मतलब वहाँ पे शक्ति का निर्माण होने का बात हो रहा है, और हम यहाँ पर बर्बाद करने का दिया हुआ है क्वेश्चन का, ऑप्शन भी हम उसी प्रकार से लेंगे ना, इसलिए हमारा ऑप्शन एक भी नहीं जाएगा। चार नंबर भी ऑप्शन दिया हुआ है बैटरी और आवेश, बैटरी और आवेश भी हमारा कुछ संबंध बन नहीं रहा है उसमें। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कूलर और उष्मा का, यानी कूलर हमारा जो है उष्मा को खत्म करता है, यानी गर्मी को। उष्मा का मतलब आप समझते हैं ना, यानी गर्मी। तो हमारा कूलर क्या करता है? गर्मी को खत्म करने का काम करता है। उसी प्रकार आप नंबर वन को देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक को दिन और रात लिखा हुआ है। दिन और रात क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है उसमें, और ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन डीडीटी किट देखिए, डीडीटी और जो किट है, डीडीटी हमारा क्यों यूज करते हैं? किट को खत्म करने, जैसे कि हम कूलर का यूज करते हैं उष्मा को खत्म करने के लिए। और चलिए इसमें से ऑप्शन तो यही होना चाहिए, आगे हम लेकिन देख लेते हैं एक बार। युद्ध जो है दिया हुआ है शांति के साथ, युद्ध हम क्यों करते हैं? शांति के लिए जरूरी थोड़ी ना है, युद्ध का शांति के लिए भी बहुत जगह होता है, लेकिन युद्ध बहुत जगह विध्वंस करने के लिए सिर्फ किया जाता है, या फिर सिर्फ वहां पे जाके हम राज्य कर सकें इसलिए युद्ध किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और आगे देखिए चार नंबर ऑप्शन, आराम लिखा हुआ है सोना, यानी सोना और आराम में कोई संबंध ही नहीं बनता यहाँ से, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर दो ही जाएगा, क्योंकि दो में जो है डीडीटी और किट का संबंध उसी प्रकार है जैसे कूलर और उष्मा का है। कूलर का यूज से हमारा उष्मा खत्म हो जाता है, वैसे ही डीडीटी का जब हम यूज करते हैं तो हमारा किट को भी वो खत्म करता है। डीडीटी मतलब आप जानते हैं ना, डीडीटी होता है कीटनाशक दवाई, उसका नाम डीडीटी होता है। यहाँ देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं चिड़िया और चहचहाना, चिड़िया और चहचहाना का संबंध ऐसा है। देखिए चिड़िया जो है जब गाती है उसी को चहचहाना कहते हैं, तो मनुष्य जो है मुस्कुराता है उसको गाना तो नहीं गाता, लेकिन जो गाना है उसको गाना कहते, मतलब चिड़िया का गाना गाने को हम चहचहाना कहते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य का गाना गाना हम गाना कहेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बोलना थोड़ी ना, रोना भी हमारा गाना के बराबर नहीं आएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आज का ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कुत्ता रेबीज दिया हुआ है, यानी कुत्ता रेबीज से कैसे संबंधित है? कुत्ता काटने से हमें रेबीज हो जाता है, उसी तरह से अगर हमें मच्छर काटे तो क्या होगा? हमें फलेरिया होगा, डंक तो नहीं होगा, ना कोई चुभन कोई बीमारी है, ना पैर कोई बीमारी है,
अनर डंक हमारा कोई बीमारी है, तो फिर फलेरिया एक बीमारी है जो हमें मच्छर के काटने से होती है। इसलिए जो कुत्ता और जो रेबीज का संबंध है कुछ इसी प्रकार है कि कुत्ता काटता है तो हमें रेबीज होता है, तो मच्छर का नाम होगा फलेरिया। हमने यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन लिया है, इसको आप जरूर देखिए अच्छा से। पंखुरी जो है फूल का एक अंग है, पंखुरी जो है फूल का एक अंग है, उसी प्रकार से पुस्तक भी देखिए, पुस्तकालय का अंग नहीं है लेकिन पुस्तक अक्षर का भी अंग नहीं है, लेखक का अंग है। पुस्तक जो अंग जो है पृष्ठ एक अंग है पुस्तक का, इसलिए हमारा ऑप्शन पृष्ठ जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे फूल जो है पंखुड़ी से फूल बनता है, तो पृष्ठ से पुस्तक बनता है, लेखक से पुस्तक थोड़ी ना बनता है, ना अक्षर से पुस्तक बनेगा, अक्षर से पृष्ठ बनता है, अक्षर से पृष्ठ बनेगा उसमें अक्षर चढ़ेंगे तब ना। और यहाँ पर पुस्तकालय से तो पुस्तक बनेगा नहीं, पृष्ठ से बनेगा। इसलिए हमारा देखिए जिस प्रकार से इसका इसका संबंध है उसी प्रकार से इसका और पुस्तक का भी संबंध है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में भी मिलते हैं, इसलिए हमें इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन करने हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में और भी वर्ड एनालॉजी हो उसमें दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको हेल्प कर सकें, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो ऐसे कुछ क्वेश्चन में। सिर्फ आप इसमें वर्ड्स को ज़रूर ध्यान देकर इसमें समझिएगा, उसके बाद आराम से आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखिए रीजनिंग में ना पहले आंसर आना चाहिए, उसके बाद मतलब ऑप्शन आप देखिए, मतलब आंसर आपका आ जाएगा पहले। ऐसा मतलब रीजनिंग का बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आप आराम से पहले आंसर ले आइएगा, तो सिर्फ आंसर आपको देखना पड़ेगा कि चलो ये ऑप्शन में है, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें ऑप्शन से पकड़ने पड़ते हैं, वैसे भी आप प्रैक्टिस करते करते आप वो भी सीख जाइएगा कि ऑप्शन से हम आंसर को कैसे पकड़े। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है बोले कि आंसर पहले आ जाएंगे तब आप ऑप्शन देखिएगा। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम उसको कमेंट जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो या फिर ग्रुप्स वगैरह हो उसमें ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू।